इधर सीएए और एनआरसी पर क्या कहा ओवैसी की तरफ से, सीएए को मुसलमानों के लिए आखिर क्यों खतरा बतला रहे हैं ओवैसी, इन सवालों का टीवी9 सत्ता सम्मेलन में ओवैसी ने क्या जवाब दिया ये आपको सुनाते हैं। मैं कह रहा हूं कि दिक्कत क्या है सीएए से, सीएए से दिक्कत यह है कि यह मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। देश के संविधान में आप मजहब की बुनियाद पर कैसे बनाते हैं आप? अब लोग बोलते हैं ये ओवैसी क्यों, अच्छा भाई आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ, अब हेमंत बिस्व शर्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उसको, बात किसी को नहीं देंगे, नहीं आएंगे अब 14 के बाद अगर हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान नहीं देंगे आप। हमारे पास लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म वीजा के बाद उनको सिटीजनशिप देने का अख्तियार है। बीजेपी ये बोल रही कि इससे पहले कोई था ही नहीं प्रोविजन, क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि नागरिकता क्या खतरा है आपको, देखिए CAA को अकेला नहीं देख सकते, NPR और NRC के साथ जोड़ना पड़ता उसको आपको। आप रिलीजन का लफ्ज निकाल दीजिए CAA में, करिए, कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है इनको? आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून मत बना रहे, पर आप हर चीज को फिर मुसलमानों के खिलाफ साजिश क्यों बोलते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं हो रही है, बिल्कुल है।